शिक्षार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर बाल गोविंद सिंह, सहायक आचार्य शिक्षा विद्या शाखा, उत्तर प्रदेश राजेश टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज, आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। आज का विषय है हमारा उदीयमान भारत में शिक्षा, जिसके द्वितीय प्रश्न पत्र बीएड E02 के खंड 4 इकाई 10 में शिक्षा के सार्वभौमिकरण की बात हम आपसे करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, प्राइमरी शिक्षा का सार्वभौमिकरण का क्या अर्थ है? 1870 में जब ब्रिटेन में शिक्षा का सार्वभौमिकरण परोक्ष रूप से हो गया, वैसी स्थिति में भारत में भी शिक्षा के सार्वभौमिकरण को अप्रत्यक्ष रूप से इसकी मांग शुरू होने लगी। क्यों? उसको इस तरह कहा गया कि प्रत्येक विद्यार्थी को जिसकी आयु 6 से 14 वर्ष के में है, उसे विद्यालय तक पहुंचाया जाए। आगे हम बात करेंगे क्या प्राइमरी शिक्षा के सार्वभौमिकरण का अर्थ क्या है। शिक्षा के विभिन्न स्तरों, जिसमें 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को बिना किसी भेदभाव के शिक्षा उपलब्ध कराई जाए, यह हुआ सार्वभौमिकीकरण। वो प्रत्येक बच्चे के लिए साथ, उसमें ना जेंडर की कोई डिस्क्रिमिनेशन है, ना उसके जाति धर्म आधार पर किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, उस आधार पर उसे शिक्षा उपलब्ध कराई जाए, उसे प्राइमरी शिक्षा का सार्वभौमिकरण कहते हैं। शिक्षा के इस स्तर को सर्वसुलभ बनाने की प्रक्रिया को प्राइमरी शिक्षा का सार्वभौमिकरण कहते हैं। यह इसके पक्ष में कौन कौन से काम किए गए, कैसे कैसे प्रयास किया गया, हम वर्षवार विवरण देने की कोशिश करेंगे आपको। आप देखें 1813 ईस्वी का आज्ञा पत्र, इसके विषय में आप जानें। 1813 ईस्वी का जो आज्ञा पत्र था, वह ऐसा एक लाइसेंस उसको समझिए, जिसमें ब्रिटिश सरकार से ईस्ट इंडिया कंपनी, जो उस समय भारत में शासन कर रही थी, हर 20 वर्ष बाद अपने लाइसेंस को रिन्यूअल कराती थी, और उसमें वो कुछ धाराएं जोड़ते थे, कुछ कम करते थे। तो इस बार 1813 के आज्ञा पत्र में ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के शासन से ये कहा कि आप भारत में शिक्षा की व्यवस्था, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनके शिक्षा की व्यवस्था, मतलब प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था आप करिए। फिर उसके बाद दूसरा वर्ष आता है 1835 में, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, आपने सुना होगा, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने भारत की प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था को कहा कि हम इसको पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि यह सदियों से अशिक्षित लोग हैं, इन्हें हम पढ़ाने की कोई किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं कर सकते, ना हमने ब्रिटिश सरकार को इसकी कोई व्यवस्था पहले से ऐसा कोई शपथ पत्र दिया है। ऐसी स्थिति में उसने पूरी तरह प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण को नकार दिया। लेकिन यह स्थिति बहुत दिनों तक नहीं बनी रही। 1854 में फिर एक बार उड का डिस्पैच आया। इस डिस्पैच में प्रारंभिक शिक्षा की तरफ उड ने, चार्ल्स उड ने ध्यान दिया, और उसमें ये कहा कि प्रारंभिक शिक्षा वहाँ मिलनी चाहिए, उस उपनिवेश में मिलनी चाहिए, मतलब भारत में प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। तो उस पर ध्यान दिया गया। फिर अगला वर्ष आता है 1882 में भारतीय शिक्षा आयोग का गठन हुआ। उसमें प्रथम भारतीय प्रयास के रूप में दादाभाई नौरोजी ने एक व्यक्तिगत प्रयास किया और व्यक्तिगत प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसमें कहा 1870 में यदि ब्रिटेन में यह शिक्षा लागू हो गई, इसका मतलब कि सार्वभौमिकरण की तरफ प्रयास किया जा रहा है, तो वह भारत में भी होनी चाहिए। इसको उन्होंने, विलियम हंटर ने स्वीकार कर लिया। आगे उस पर कोई किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस बीच 1906 में बड़ौदा नरेश सयाजी राव गायकवाड़ ने अपने बड़ौदा स्टेट के एक छोटे से अमरेली कस्बे में प्रारंभिक शिक्षा को मुफ्त एवं अनिवार्य कर दिया। वह छोटा क्षेत्र था, उन्होंने एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में यह कार्य किया, लेकिन इस छोटे भाग में ही प्रारंभिक शिक्षा को का सार्वभौमिकरण करने का प्रयास उन्होंने किया। यह एक प्रयास था। आगे हम देखते हैं, इसके बाद भी एक प्रयास किया गया। 1911 में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा केंद्रीय धारासभा में एक प्रस्ताव पेश किया गया। इसके पूर्व 1910 में भी गोखले ने एक प्रस्ताव इसके संबंध में पेश किया था,
किंतु वह दोनों प्रस्ताव फेल हो गए, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने लोगों को जागरूक बनाया। इसी बीच 1918 में विट्ठल भाई पटेल ने मुंबई म्युनिसिपल आज का मुंबई तब का बम्बई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य करने के लिए एक प्रस्ताव पास किया। सरकारी स्तर पर यह पहला प्रस्ताव था जो देश में लागू किया गया और पास हुआ। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि 1937 में वर्धा शिक्षा सम्मेलन, इसमें एक नींव की पत्थर साबित हुआ, क्योंकि गांधी जी द्वारा बुनियादी तालीम या नई तालीम के लिए बार बार अखबारों में, पत्रिकाओं में यह बात लिखी जा रही थी कि हमारी शिक्षा व्यवस्था जो है वह हमारी व्यवस्थाओं, हमारी आवश्यकताओं के अनुरूप हो। उसी के संदर्भ में 1937 में वर्धा शिक्षा आयोजन, वर्धा में एक शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें राजनीति से, शिक्षा से जुड़े हुए तमाम लोगों को आमंत्रित किया गया। वहाँ एक सम्मेलन हुआ और उस सम्मेलन में जो प्रस्ताव पास हुआ उसमें डॉक्टर जाकिर हुसैन के अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। इसके पूर्व बीजी खेर समिति का एक गठन किया गया जो 1937 के रिपोर्ट और 1944 के बीच में जो गैप था उसको उसने पूरा किया। और उस 1937 के सम्मेलन की जो प्रतिफल आया, जो परिणाम आया, उसके लिए उन्होंने एक प्रस्ताव पेश किया सार्जेंट कमीशन के सामने और उसी को स्वीकार, 1944 में सार्जेंट कमीशन ने उसे स्वीकार कर लिया। अब कुछ ही दिन बाद देश स्वतंत्र हो गया। 1950 में संविधान में शिक्षा की व्यवस्था के लिए तमाम कई तरह की व्यवस्थाएं लागू की, कई बंद, कई उपबंध, कई अनुच्छेद लागू किए गए, जिसमें यह कहा गया कि अगले 10 वर्ष में देश के सभी बच्चों को जिनकी आयु 6 से 14 वर्ष के बीच में है उन्हें शिक्षा उपलब्ध करा दी जाएगी। लेकिन तमाम परिस्थितियों के कारण, संसाधनों के अभाव के कारण और भी समस्याओं के कारण यह काम पूरा नहीं हो सका। अब 1950 से लेकर और 2010 तक, जब तक प्रारंभिक शिक्षा को अनिवार्य नहीं कर दिया गया, मतलब हर बच्चे का अधिकार नहीं मान लिया गया, उस बीच में कई और प्रयास हुए जिसमें वो कभी समाज के लोग उसमें काम किए, कभी एनजीओ के रूप में लोगों ने काम किया और अंततः 2010 में 1 अप्रैल को शिक्षा को, प्रारंभिक शिक्षा को अनिवार्य और मुफ्त कर दिया गया, जो देश के 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्यता उपलब्ध कराएगी सरकार। गार्जियन क्यों कराया जाएगा ऐसा आखिर आवश्यकता क्या थी, क्या सार्वभौमिकरण के उद्देश्य के? पहला है कि सभी बच्चों का जब विद्यालयों में नामांकन हो जाएगा, इसका मतलब अपरोक्ष रूप से शिक्षा का सार्वभौमिकरण हो गया। आशा यह हुआ कि हमारे 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जिनकी आयु 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग में आते हैं उन्हें विद्यालयों में उनका प्रवेश मिल जाए। इसके लिए जो हमारे सार्वभौमिकरण के उद्देश्य को बल प्रदान करेगा। दूसरा है अगर हमने इनका एडमिशन करा भी दिया, नामांकन करा भी दिया, अगर वो स्कूलों से निकल जाएंगे तो ऐसी परिस्थिति में हमको यह व्यवस्था करनी चाहिए कि उनका स्कूल छोड़कर वह जाए नहीं, मतलब ड्रॉप आउट हम जीरो तक ले आए। अब जीरो तक ले आने में हमें कई तरह के प्रयास और करने पड़ेंगे। जैसे एक चीज तो जो प्रथम है वो ये है कि हम प्रारंभिक विद्यालयों तक बच्चे की पहुंच को, मतलब बच्चे की पहुंच में जो रुकावटें हो रही हैं उन्हें समाप्त करें। उसके लिए कई उपबिंदु हैं, जैसे हो सकता है कि विद्यार्थी की सामाजिक आर्थिक स्थिति, शिक्षार्थी की सामाजिक आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं हो, वहां गरीबी मुख्य कारण हो जिसकी वजह से वह घरेलू कार्यों में व्यस्त हो, ऐसी स्थिति में उसको उससे निकालना जरूरी है। संरक्षकों में, अभिभावकों में हमको यह जागरूकता पैदा करनी है कि हर बच्चे को शिक्षा देना उसका अधिकार है,
तो यह दोनों इस बिंदु को ध्यान में रखने, मतलब किसी भी स्थिति में हम बच्चे को विद्यालय तक पहुंचाने के सारे उपागम सारे उपाय हम करें। आगे हम देखेंगे कि अगर आप प्राथमिक शिक्षा में सार्वभौमिकरण को प्राप्त करने के उपाय क्या है। ठीक है, हमने वो कार्य कर लिया कि ऐसे ऐसे करेंगे तो बच्चे विद्यालय में आएंगे और उनकी पढ़ाई लिखाई होगी। अब उसको प्रारंभिक शिक्षा में सार्वभौमिकरण को प्राप्त करने के उपाय क्या है, मतलब पहला जो उपाय है कि 100% नामांकन के लिए आवश्यक संसाधन युक्त प्रारंभिक विद्यालयों को 6 से 14 आय वर्ग के बच्चों के सामान्य पहुंच तक बनाए। सामान्य पहुंच से आशय यह है कि छोटी उम्र के बच्चे विद्यालय पहुंचने में उन्हें कम दूरी तय करनी पड़े। जैसे 1 से लेकर 5 तक के बच्चे कक्षाओं के लिए 1 किलोमीटर के अंतर्गत हम विद्यालय उनको उपलब्ध करा दें। जो थोड़े बड़े उम्र के हैं, जिनकी कक्षाएं 6 से लेकर 8 तक हैं और जिनकी 11 से 14 के बीच आयु है, उन्हें 3 किलोमीटर की एरिया में, जो उनके घर से 3 किलोमीटर के एरिया में विद्यालय उपलब्ध कराएं, मतलब सामान्य पहुंच में हम बच्चों को रखें। आगे है प्रारंभिक विद्यालयों में ड्रॉप आउट रेट, आ गए अगर बच्चे विद्यालय आ गए तो उन्हें विद्यालय में रुकने की व्यवस्था करें। अगर वो रहेंगे विद्यालय में तभी जाके हमारा सार्वभौमिकरण होगा। अगर वो आए और फिर निकल के चले गए तो हमारा जो नामांकन 100% करने का प्रयास था उसमें अवरोध उत्पन्न हो जाएगा। तो पहला काम है जो बच्चे हमारे विद्यालय आए वह रुकें, और रुकने के बाद वह पूरी अपनी 1 से लेकर 8 तक की पढ़ाई पूरी करें। वह एक यहाँ उल्लेखनीय विषय है कि क्या बच्चा 6 से लेकर 14 साल की उम्र तक कभी भी विद्यालय में आए तो उसका नामांकन हो जाएगा, उसकी भी व्यवस्था है सार्वभौमिकरण के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए विद्यालयों में, कि वह 6 से 14 वर्ष की उम्र तक कभी भी विद्यालय में आएगा तो विद्यालय का या उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया है कि वह उस बच्चे की आगे की पढ़ाई सुचारू रूप से कराए और उसको 1 से 8 तक की परीक्षा को पूरा कराए। आगे आप देखेंगे कि उसके लिए आकर्षक एवं रुचिकर बनाया जाए। एक शब्द आया, आकर्षक और रुचिकर। आप देखें कि हमारे देश में केवल सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों के अतिरिक्त निजी क्षेत्रों में भी विद्यालय चलते हैं जो जिनमें संसाधन बहुत ज़्यादा होते हैं। पढ़ाई लिखाई के बारे में जहाँ तक वहाँ की संभावना है, वो चाहे जो भी हो लेकिन वो आकर्षण पैदा करते हैं बच्चों में। तो हमें क्या करना है कि आकर्षक बनाएं, परिवेश को आकर्षक बनाएं, मतलब बच्चे का मन वहाँ लगे, वो आए और जो पढ़ने पढ़ाने का तौर तरीका है उसको रुचिकर बनाएं, उसको बोझिल नहीं बनाएं। तो वह विद्यार्थी आएगा और हमारे साथ रुकेगा और कक्षाओं में रहेगा और अपनी पूरी साइकिल पूरी करेगा, 1 से लेकर 8 तक की अपनी पढ़ाई पूरी करेगा। आगे का है प्रोत्साहन एवं पुनर्वनन की नीति अपनाना। अब कुछ ऐसी भी समस्याएं हैं जो तुरंत नहीं खत्म की जा सकती हैं, उसके लिए हम प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे कि विद्यार्थी को प्रोत्साहन दें। जैसे इंसेंटिव शब्द एक आजकल चर्चा में है, बच्चे को इंसेंटिव दिया जाए। जैसे अब गरीबी के कारण अगर वो विद्यालय तक नहीं पहुंच पा रहा है तो पहले तो उसको उस बिंदु पर वहाँ उसकी समस्या को ख़त्म करना चाहिए, उस परिवार को उसकी रेखा से ऊपर उठाना चाहिए, गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का प्रयास करना चाहिए। ये सरकार ऐसा काम कर रही है, सतत प्रयास किया जा रहा है। दूसरा कि विद्यार्थी को भी प्रोत्साहित करें, जैसे उसे मिड डे मील प्रोत्साहन प्रक्रिया के अंतर्गत दिया जाता है, उसको पुस्तकें उपलब्ध कराई जाती हैं, बैग उपलब्ध कराया जाता है, जो बस्ता होता है वो उपलब्ध कराया जाता है। इसके पहले हमने बताया आपको कि हम विद्यालय को आकर्षक और रुचिकर बनाने के पक्ष में यह प्रयास करें कि वो आकर्षक और रुचिकर हो। अगला बिंदु आता है, वह है प्रारंभिक शिक्षा के अकादमिक पक्ष को गुणवत्ता प्रदान करना। यह एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, इस पर हमको ध्यान देना होगा कि हमारी शिक्षक शिक्षा की
जो व्यवस्था है वह, और जो प्रारंभिक शिक्षा के और भी, जो प्रारंभिक शिक्षा से और लोग जुड़े हुए हैं वह दोनों मिलकर विद्यालय के साथ संवाद करें। ऐसी स्थिति में हम देख रहे हैं कि अकादमिक पक्ष तभी ठीक होगा जब तक हमारी शिक्षक शिक्षा बढ़िया नहीं होगी। दूसरा एक बिंदु आता है कि प्रारंभिक शिक्षा में हम पाठ्यचर्या को कितना बढ़िया बनाएं, पाठ्यचर्या में कितनी रुचि पैदा हो बच्चे का, पाठ्यचर्या में उसकी वैयक्तिक और उसके सामाजिक विकास में वह पाठ्यचर्या कितना सहयोग कर रही है, इस बात को हमको ध्यान देना चाहिए, इस पर हमको बल देना चाहिए। तो अकादमिक पक्ष में दो तीन बिंदु आए, जैसे शिक्षक शिक्षा को हम उसमें गुणवत्ता लाएं, शिक्षक और विद्यार्थी के बीच का जो समानुपात है उसको कम करने का प्रयास करें, मतलब भीड़ भरी कक्षाएं न हो। और जो उसमें एक तीसरा बिंदु है वह बच्चे को प्रोत्साहित करें, उसको व्यक्तिगत रूप से उसे किताबें देकर, उसे बैग देकर, उसे मिड डे मील देकर या इसी तरह की और भी कुछ परियोजनाएं चलाकर जिससे बच्चे में प्रोत्साहन पैदा हो। और फिर उसके बाद जो आता है पुनर्वलन की नीति अपनाना, कक्षा कक्ष में बच्चे को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना। प्रोत्साहित जब हम करेंगे तो बच्चे को पढ़ने में मन लगेगा, उसकी इच्छा होगी कि हम क्लास में जाएं, उसके लिए क्लास और विद्यालय दोनों अच्छा होगा। तो ऐसी स्थिति में उसका जो है वो विद्यालय में और कक्षा में दोनों में ठहरा होगा, जो किसी न किसी रूप में सार्वभौमिकरण को बल प्रदान करेगा। फिर उचित पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण, यह क्या है, यह ये जितनी प्रक्रिया हम पीछे बता रहे हैं, आपसे चर्चा कर रहे हैं, इसमें कई बार कमियां आती हैं, तो एक ऐसी मॉनिटरिंग की व्यवस्था हो, एक ऐसी व्यवस्था हो जो इस पूरी व्यवस्था का अवलोकन करे, उसको समझने की कोशिश करे कि यह पूरी व्यवस्था कैसे चल रही है, ठीक से चल रही है कि इसमें कहाँ इसकी ज़रूरत है इसको ठीक करने की, मतलब उसे हमारी तरफ से पूरी व्यवस्था यह करनी चाहिए। उसके लिए उचित पर्यवेक्षण, मतलब उन प्रशासनिक अधिकारियों को जो इसके लिए जिम्मेदार हैं, उनको एक निश्चित आवर्त पर, मतलब एक निश्चित समय पर शिक्षा, जो शिक्षा चल रही है प्रारंभिक शिक्षा, उसका पर्यवेक्षण करना चाहिए। उसके लिए उनको बार बार विद्यालयों में, विद्यालय से जुड़ी और संस्थाओं में विजिट करनी चाहिए, वहाँ एक निश्चित आवर्त पर, और उसमें जो कमियाँ हों उसको चाक आउट करके, उस पर बातचीत करके, उस पर मीटिंग करके, वह बात उसको सॉर्ट आउट करके उसको बाहर निकालना चाहिए और उसमें उसका उपचार और निदान करना चाहिए। और निरीक्षण एक ऐसी विधि है जो किसी भी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में सहयोग करती है। तो जब बराबर निरीक्षण होता रहेगा प्रारंभिक शिक्षा के पाठ्यचर्या का, उसके शिक्षण प्रशिक्षण का, उसकी ट्रेनिंग का, तो ऐसी परिस्थिति में हम देखेंगे कि यह दोनों मिलकर, पर्यवेक्षण और निरीक्षण दोनों मिलकर शिक्षा के सार्वभौमिकरण को बल प्रदान करेंगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये सभी बिंदुओं पर क्रमवार अगर हम प्रयास करेंगे तो 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के सभी विद्यार्थी विद्यालयों तक पहुंच जाएंगे, वहां रुकेंगे, एक गुणवत्तापूर्वक शिक्षा उन्हें प्राप्त होगी जो उनके आगे की वैयक्तिक और सामाजिक जीवन के लिए और आगे के शिक्षा दीक्षा के लिए लाभदायक होगी और उनको उसमें सहयोग करेगी। इन सभी बिंदुओं पर हमको ध्यान देना पड़ेगा। आगे देखते हैं, इस प्रकार हमने आज की जो कक्षा थी इसमें हमने देखा कि प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए गुलाम भारत से लेकर और आज तक की डेट में, आज तक के दिनांक में, तिथि में हमने देखा कि किस तरह का ये प्रयास किया गया। जैसे हम उसको शॉर्ट में बता दें आपसे, एक समाकलन के रूप में, कि प्रयास तो शुरू हुआ अंग्रेज शासन के द्वारा ही प्रयास ये शुरू हुआ, लेकिन सनई स्वतंत्र भारत में इसके प्रयास को आगे बढ़ाया गया और अभी भी ये प्रयास चल रहा है। ऐसी स्थिति में हम देखेंगे कि जो
जनगणना 2021 के जो परिणाम आएंगे उसमें हमारा नामांकन दर हमारी कितनी है, अगर इसने 100% नामांकन दर हम 2021 में प्राप्त कर लिए हैं तो इसका मतलब कि हमने शिक्षा का सार्वभौमीकरण करने के लिए केवल 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों में प्राप्त कर लिया। लेकिन एक ऐसा वर्ग भी है जो अभी भी, जो पिछली पीढ़ियों में पढ़ा लिखा नहीं है, वह अभी भी शिक्षित नहीं है, उसके लिए अतिरिक्त प्रयास करने की ज़रूरत है। तो हमने यह देखा कि यह पिछले 200 वर्षों में भारत में, चाहे वो हमारे प्रतंत्र काल का हो चाहे स्वतंत्रता के बाद का हो, वह किस तरह का प्रयास हमने किया जिसमें सनई सनई हम आगे बढ़ते रहे। और परिस्थितियाँ जब देश आज़ाद हुआ तब कैसी थी, उसके पहले कैसी थी, लेकिन धीरे धीरे हम लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि सभी बच्चों को जो स्कूल जा सकते हैं, जिनकी आयु 6 से 14 वर्ष है, या अब नई शिक्षा नीति में जो परिवर्तन हुए हैं उसमें स्कूल जाने वाले बच्चे जिनका दायरा और बढ़ा दिया गया है, जिनकी आयु वर्ग 3 से लेकर और 18 साल तक निर्धारित कर दी गई है, उन बच्चों को कैसे विद्यालयों में भेजें और शिक्षा का सार्वभौमिकरण करें। धन्यवाद बच्चों, नमस्कार।